एक और टैक्सी वाला आ गया है, वो भी 1.5 लाख कह रहा था, लेकिन वो लाख तक आ गया है। कोशिश है हमारी 70-80 तक कोई बन जाए, वो लाख में भी नहीं मान रहे यार। ये सबकी यानी कि ना एक मिली भगत होती है कि एक दूसरे को बता देते हैं, इशारा कर देते हैं कि ये इतने में कह रहे हैं, इतने में फी बंदा कमाला यार। यार सुफियान भाई ने 90,000 तुमान कह दिया, लेकिन वो फिर भी कह रहे लाख से कम नहीं लेके जाऊंगा। एक और टैक्सी वाला आया था, 1.5 लाख रुपए मांग रहा था यहाँ से ज़हदान के। हालांकि ईरानी तेल इतना सस्ता है, लेकिन फिर भी ये इतने ज़्यादा नहीं पैसे मांगते हैं ना, बारगेनिंग करनी पड़ती है। कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम में मिले, देखते हैं हम उसमें कामयाब होते हैं या नहीं। फिलहाल हमारी कोशिश है, पैदल जा रहे हैं और बार बार टैक्सी वाले मिल रहे हैं, लेकिन किसी से हमारे ये ना डील डन नहीं हो रही है। एक और टैक्सी वाला आ गया है, वो भी 1.5 लाख कह रहा था, लेकिन वो लाख तक आ गया है। कोशिश है हमारी 70-80 तक कोई बन जाए। चौक नहीं भाई, वो लाख में भी नहीं मान रहे यार। ये सबकी यानी कि ना एक मिली भगत होती है कि एक दूसरे को बता देते हैं, इशारा कर देते हैं कि ये इतने में कह रहे हैं, इतने में। और ये मेरे पीछे जो टैक्सी गुजर रही है, ये यानी कि मेन है, उधर इमिग्रेशन ऑफिस के पास खड़ी होती हैं ईरानी टैक्सियाँ, लेकिन ये कोशिश है लोकल के साथ जाएँ कम से कम में। और बस टर्मिनल पर जाना है, लेकिन वो कह रहा था कि चौक तक ले जाऊँगा 80,000 में। एक वो उधर आया था, मोबाइल तो लिख के कह दे इतने देवांगे फी बंदा, फी बंदा 80 बस 80 कह दे, 70 कह दे, यहाँ 70 कह दे। मोबाइल दिखा जरा, फी बंदा कमाला यार। अभी मैंने उसको 70,000 तुमान बोला तो वो ऐसे कह रहा जाओ 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 काम करो, अपना काम करो, इस तरह ही नहीं करते हैं। ये सबकी मिली भगत होती है। कोशिश है जितनी भी ज्यादा हम बारगेनिंग कर सकते हैं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी काफ़ी है। शाम तक हमने ज़हदान पहुंचना है, फिर आगे सोचेंगे मशहद जाना है या वहाँ पे स्टे करना है। लेकिन यहाँ पे टैक्सी वालों से हमारी पूरी कोशिश है कि बारगेनिंग करके कम से कम में जाएं। आदमी को तुमन या तुमन अगर थी पाकिस्तानी आज़ादी और टर्मिनल बस टर्मिनल अरे 70 तुमान मुश्किल 70 तुमान 70 वो दिखाया 70 70 टर्मिनल ये इसने 10 बढ़ा दिया अभी टर्मिनल नहीं नहीं भाई तो टर्मिनल दिखाई है टर्मिनल हरकत से बंदे आदमी टर्मिनल ओके साहब टर्मिनल दे किन्ने हर बंदे 1,50,000 खुद टर्मिनल 80 तो ज्यादा बंदे नहीं यार 80 लिख के दे, हम लिख के दे ज्यादा टर्मिनल का है ना। हां ये खैर क्या कम पेट्रोल टूरिस्ट है तू पाकिस्तानी टूरिस्ट ना पेट्रोल ग्राम पेट्रोल सस्ता पेट्रोल ग्राम है इधर हर 20 2 लाख की रानी 2,50,000 की हर 20 شما الان 3 نفر 3-8 میشه 1 لیتر 20 لیتر یار سفیان بھائی نے 90,000 تومان کہہ دیا لیکن وہ پھر بھی کہہ رہا لاکھ سے کم نہیں لے کے جاؤں گا ایک مہینہ پہلے دی حالے زفری صاحب گئے سی یار بہت بارگیننگ کرنی بندی ہے بارڈر ایریا تے جان تومان
टर्मिनल या दो लेकर तीन नंबर ये सर कोड एक्टिव वाला है उन देख के गया ना तू मान गया जान तू मान बार्गेनिंग जो है वो मस्ट है एयरपोर्ट ये जो बॉर्डर एरिया होता है ना यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है वरना ये आपको लूट देते हैं टर्मिन कैसे भी मोबाइल पकड़ अच्छा चलिए दो बताओ ना 3,00,000 तीन लाख ना किन्ने बन देने नब्बे 2,00,000 का किन्ने बन देने 24,00,040 2,40,000 चलो आ जाओ यार छोड़ो नहीं मानते 2,40,000 तीन बंदों को कह दिया लेकिन वो नहीं मान रहे यार नहीं मानते वो पता नहीं क्या मसला है यार इनको तीन टैक्सी वाले आ गए लेकिन किसी ने हाँ नहीं कर रहे कोई बंदा भी नहीं मान रहा टैक्सी के लिए नो सी बंदा क्या सी बंदा आ जाओ यार नहीं मानना आ जाओ नो पर बंदा ठीक है जैदान टर्मिनल ओके चलो देखी देख तो यार उसने डन कर लो समझ नहीं आ रही मतलब उसने कंफर्म कर ला वीडियो बना ली होगी कह रहे ठीक है फिर कंफर्म कर ला फी बंदा 80,000 तू क्या है ठीक है फी बंदा 80,000 तुमान में एक टैक्सी वाला मान गया देखो यार ये आगे चल के मुकर ना जाए देखते हैं फिर चलते हैं रख दे रखने का दे दे नहीं समझ आ रही मगर ईरान में एंटर होते ही ज़हदान की तरफ जाते हुए मशरक वाली साइड पे ये पाकिस्तान का मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट है और कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के मगरबी पॉइंट से आगे इस तरह हम ट्रैवल करेंगे तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद ज़हदान सिटी आ चुका है पहला ईरानी सिटी है और हम सिटी में दाखिल हो चुके हैं फाइनली जी पहुंच चुके हैं ज़हदान में अभी वो मदर साहब उधर पैसे दे रहे हैं फिर हमारा सामान पड़ा है सामान निकालते हैं फिर फैसला करते हैं इधर रुकना है या आगे जाना है हाँ जी लाख दे होने सारी जगह मेरे को 2,00,000 का नोट है नहीं 1,00,000 लगे 4 दे 10 साल 6,00,000 चुन चुन कसर अब शुक्रान थैंक यू थैंक्स शुक्रान पेमेंट हो गई अलहमदिल्ला अभी हम डिसाइड करते हैं कि किधर जाना है ज़हदान में पहुंच चुके हैं अच्छा वैसे आपस की बात है मैं यही सोच रहा था पूरे रास्ते मेरे जेब में यही सवाल था कि ये बस टैक्सी वाला बड़ा स्कैमर बंदा लग रहा था लेकिन इस चीज़ से अल्लाह ताला ने हमें बचाया जितने पैसे दिए उसने कि कमिटमेंट हुई थी उतने ही दिए एक यानी कि रुपये का भी उसने हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं किया तो ये हमारे लिए बेस्ट चीज़ थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा यानी कि पसंद करूँगा अप्रिशिएट करूँगा तो अभी चलते हैं बस टर्मिनल की तरफ या जो भी डिसाइड करेंगे इधर रुकना है या आगे जाना है वो फिर आपके साथ शेयर करूँगा और हम मौजूद हैं ज़हदान सिटी में पीछे से हमने सारा सफ़र का हवाला आपके साथ शेयर किया उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ सर